क्रिकेट इतिहास के तीन ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में बहुत कम फैंस ही जानते हैं। एक रिकॉर्ड तो 22 साल के कोई भी नहीं तोड़ सका है। क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है। क्रिकेट के मैदान पर कई रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको तीन ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें फैंस अफवाह समझते हैं। आप भी इन रिकॉर्ड्स के बारे में जानकर काफी हैरान रह जाएंगे। आइए आपको बताते हैं आखिर ये ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में बहुत कम फैंस ही जानते हैं। नंबर 1, एक दिन में टेस्ट मैच की 4 पारियां। एक टेस्ट मैच 5 दिन तक खेला जाता है, वही कभी कभी टेस्ट मैच 2 या 3 दिन में भी आपने खत्म होते देखा होगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहली बार एक ही दिन में दोनों टीमों की 4 पारियां खेले जाने का अनूठा रिकॉर्ड इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच साल 2000 में सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिला। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज की पहली पारी मैच के दूसरे दिन 267 रनों पर समेट दी थी। इसके बाद इसी दिन वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को केवल 134 रन के स्कोर पर ऑल आउट किया और इसी दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 54 रनों पर ही सिमट गई। इसके बाद दूसरे दिन ही इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई। दूसरे दिन के खेल में ही दोनों ही टीमों को अपनी दोनों पारियां खेल इतिहास रच दिया था। नंबर 2, 17 गेंदों में पूरा हुआ एक ओवर। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक एक ओवर में गेंदबाज 6 गेंदें फेंकता है, लेकिन एक बार गेंदबाज ने 17 गेंदों का ओवर फेंका था। ये घटना साल 2004 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में घटी थी। पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद सामी ने एक ओवर में 17 गेंद फेंकी थी। आज भी ये वनडे क्रिकेट में सबसे लंबे ओवर के रूप में दर्ज है। इस ओवर में उन्होंने 4 नो बॉल और 7 वाइड गेंद फेंकी थी और कुल 22 रन दिए थे, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे। नंबर 3, छक्कों की हैट्रिक लगा चुके हैं द्रविड़। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें फैंस छक्के लगाने के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ भी लगातार 3 छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2011 में एक टी20 मैच के दौरान लगातार 3 छक्के लगाए थे।